रायबरेली समाचार चैनल को देखने वाले दर्शकों को धन्यवाद व आभार। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। आज की बड़ी खबर, ए गोल्डस्मिथ स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा आयोजित सिला लॉन टेनिस टूर्नामेंट डबल्स का फाइनल मैच आज हुआ। ये टूर्नामेंट एक सप्ताह चला और इसमें 22 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट को ओपी सिंह और अमित उपाध्याय ने प्रवीण सिंह और सोनू को 2-6, 7-6, 10-6 से हरा कर जीता। विजेता को पुरस्कार स्पोर्ट्स ऑफिसर धीरेन्द्र पुरुषोत्तम द्वारा दिया गया एवं उपविजेता को फॉरेस्ट ऑफिसर आशुतोष जायसवाल द्वारा दिया गया। इस अवसर पर गोल्डस्मिथ स्पोर्ट्स एकेडमी के संस्थापक और प्रबंधक संजय वर्मा ने कहा कि बहुत जल्द ऑल इंडिया टूर्नामेंट भी कराया जाएगा। टूर्नामेंट का आयोजन मोहम्मद अयाज द्वारा किया गया। इस अवसर मिला राजेश सिंह, वीरेंद्र सिंह, संजय, धीरेन्द्र, सुधीर, हंसराज, फरीन्द्र, हशमत, अनिल, करण, फिरोज, रवि, शिखर, आकाश, सूरज, राशिद, उज्ज्वल, पुनीत, कंचन, सौम्या, प्रियंका, रमा, दर्शिता, प्रिया आदि मौजूद रहे। अंत में जिला टेनिस एसोसिएशन की सचिव श्वेता वर्मा ने सभी लोगों को धन्यवाद दिया। गोल्डस्मिथ अकेडमी के संस्थापक संजय वर्मा ने कहा है कि बहुत ही जल्दी ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट भी कराया जाएगा। टूर्नामेंट का आयोजन मोहम्मद अयाज द्वारा किया गया। श्वेता वर्मा, कंचन, रमा, प्रियंका, सौम्या, उज्ज्वल शर्मा, फिरोज, रवि, आकाश, शिखर। अंत में टेनिस एसोसिएशन की सचिव श्वेता वर्मा, सभी आए हुए लोगों को धन्यवाद दिया। रायबरेली समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर फॉलो करें। रायबरेली समाचार चैनल को देखने वाले दर्शकों को धन्यवाद व आभार। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। आज की बड़ी खबर, ए गोल्डस्मिथ स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा आयोजित सिला लॉन टेनिस टूर्नामेंट डबल्स का फाइनल मैच आज हुआ। ये टूर्नामेंट एक सप्ताह चला और इसमें 22 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट को ओपी सिंह और अमित उपाध्याय ने प्रवीण सिंह और सोनू को 2-6, 7-6, 10-6 से हरा कर जीता। विजेता को पुरस्कार स्पोर्ट्स ऑफिसर धीरेन्द्र पुरुषोत्तम द्वारा दिया गया एवं उपविजेता को फॉरेस्ट ऑफिसर आशुतोष जायसवाल द्वारा दिया गया। इस अवसर पर गोल्डस्मिथ स्पोर्ट्स अकेडमी के संस्थापक और प्रबंधक संजय वर्मा ने कहा कि बहुत जल्द ऑल इंडिया टूर्नामेंट भी कराया जाएगा। टूर्नामेंट का आयोजन मोहम्मद अयाज द्वारा किया गया। इस अवसर मिला राजेश सिंह, वीरेंद्र सिंह, संजय, धीरेन्द्र, सुधीर, हंसराज, फरीन्द्र, हशमत, अनिल, करण, फिरोज, रवि, शिखर, आकाश, सूरज, राशिद, उज्ज्वल, पुनीत, कंचन, सौम्या, प्रियंका, रमा, दर्शिता, प्रिया आदि मौजूद रहे। अंत में जिला टेनिस एसोसिएशन की सचिव श्वेता वर्मा ने सभी लोगों को धन्यवाद दिया। गोल्डस्मिथ एकेडमी मैं मोहम्मद अयाज, टेनिस प्लेयर। ये गोल्डस्मिथ एकेडमी द्वारा डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप डबल विकेट टेनिस टूर्नामेंट की कराई गई थी। इसमें करीब 22 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया और आज के विजेता ओपी सिंह और अमित उपाध्याय रहे, जिन्होंने फाइनल में प्रवीण सिंह और सोनू को हरा करके ट्रॉफी जीती है। स्कोर क्या था? स्कोर 6-1 से पहला सेट प्रवीण सिंह और सोनू जीते थे, उसके बाद सेकंड सेट टाई ब्रेक में 6-3 से और सुपर टाई ब्रेक में 10-5 से हारे हैं। हम गोल्डस्मिथ स्पोर्ट्स अकेडमी प्रबंधक संजय वर्मा, यहाँ पर टूर्नामेंट अयाज भाई और मेरे द्वारा मिलकर आयोजित किया गया। कहाँ कहाँ से खिलाड़ी आए हुए थे? खिलाड़ी इसमें अपने ज़िले के ही लोग थे। अच्छा। और जो ऑफिसर्स थे वो अपने विभागों के ऑफिसर्स थे, तो सभी लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया और काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट रहा, अनुभव अच्छा रहा, तो लिहाजा इस तरह के टूर्नामेंट में दोबारा फिर से कराता रहूँगा।